me? Okay. A screen is visible, na? Okay. So, what is diagnosis? Bolo. Fatafat, fatafat. Fast. Jaldi bolo. जल्दी बताइए जल्दी. यस ओके. अगर डायग्नोसिस को समझना है, दैट इज़ आर डायग्नोसिस मीनिंग होता है, दैट इज़ आपको जो भी इश्यूज होता है इश्यूज़ को क्योर करना. अब डायग्नोसिस कौन करता है? जो डायग्नोसिस करते हैं जैसे कि डॉक्टर्स, डॉक्टर्स डायग्नोस्टिक करते हैं, डायग्नोस्टिक प्रोसेस को अप्लाई करते हैं. द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग द कॉजेज ऑफ एजुकेशनल डिफिकल्टीज. यहाँ पे देखो, मैं एक टीचर हूँ बट आई एम एक्टिंग एज अ डॉक्टर. आई एम एक्टिंग एज अ डॉक्टर. मैं यहाँ पे डॉक्टर जैसा बिहेव कर रही हूँ. क्यों? बिकॉज आपके अंदर कौन सा एजुकेशनल इशूज हैं या फिर प्रॉब्लम्स हैं उसको मुझे सॉल्व आउट करना है. टू सॉल्व आउट द एजुकेशनल इशूज और एजुकेशनल डिफिकल्टीज, इट इज नोन एज एजुकेशनल डायग्नोसिस. इसे हमने बोला कि ये एजुकेशनल डायग्नोसिस है. ठीक है, डायग्नोसिस को मेडिकली हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. वी यूज़ मेडिकली दिस टर्म डायग्नोसिस टू क्योर द पेशेंट्स और टू एनालाइज देयर प्रॉब्लम्स और टू गिव सॉल्यूशन ऑफ देयर प्रॉब्लम्स एटसेट्रा. इन एजुकेशन बेसिस देयर आर लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस. अगर बहुत सारा डिफिकल्टीज फेस करते हो तो कहाँ पे फेस करते हो? एजुकेशन सिस्टम में ही फेस करोगे क्योंकि इतनी सारे बच्चे हैं. तो डिफरेंट वेज में, जैसे कि हम लोग को भी इशू हो रहा है अभी कि आप लोग में से अने एवरेज स्टूडेंट से, हाँ एवरेज से बिलो एवरेज भी है, कुछ इगोइस्टिक है, कुछ थोड़ा सा समझते हो, कुछ नहीं समझते हो, कुछ है जो रिमेम्बर आज के डे पे कर रहे हो कल भूल जाते हो. तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिसके वजह से हमें क्या होता है कि आप में से उन किन बच्चों का एजुकेशनल इश्यूज है उसको सॉल्व आउट करना बहुत जरूरी है. तो उस टाइम पे जैसे हम अगर मेजर इश्यूज देखते हैं तो उसको पहले आइडेंटिफाई करते हैं, लोकेट करते हैं, आफ्टर दैट उसको सॉल्व करने को ट्राई करते हैं. ओके अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट. इट इज नॉट प्रॉपर लिमिट द स्कोप ऑफ डायग्नोसिस टू लोकेट द कॉज दैट इंटरफेयर विद द ऑर्डिनरी एकेडमिक प्रोग्नोसिस ऑफ द पीपल. अच्छा, बच्चों का अगर ये पॉइंट इतना ज़्यादा नहीं लिखोगे चलेगा. अभी पॉइंट को मैं समझा रही हूँ. अगर बच्चों को नॉर्मल बेसिस पे, नॉर्मल वे पे अगर आप चेक करते हो, ठीक है, एवरीडे के बेसिस पे नॉर्मल वे से बच्चों को आप चेक करते हो कि बच्चे कितने रिदम से पढ़ते हैं, कितने पेस से पढ़ते हैं, एवरीडे वो 8 to 9 hours पढ़ते हैं, बहुत अच्छा उनका स्कोर्स रहता है, दैट मीन्स वो प्रोग्नोस्टिक वे में आप चेक कर रहे हो. दैट मीन्स ओवरऑली आप चेक कर रहे हो कि उनका कोई इशू नहीं है बिकॉज एवरीडे वो इतना पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद रिमेंबर रखते हैं. बट समहाउ अगर कुछ बच्चे वीक होते कुछ पोर्शन में, दैट मीन्स सपोज नहीं करना है, पूरा पर्टिकुलरली देखना है, ठीक है, सपोज नहीं पर्टिकुलरली देखना है, व्हाट इज द प्रॉब्लम बिहाइंड दिस इशू? क्यों वो बच्चा इतना कम पढ़ता है, क्यों वो बच्चा पढ़ने से याद नहीं रख पाता है? तो वो प्रॉब्लम को हमने यहाँ पे क्या क्या आइडेंटिफाई किया. जब आप कोई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो तो यू नीड ऑब्जर्वेशन प्रोसेस. आप लोगों को क्या करोगे? आप ऑब्जर्व करोगे, क्वेश्चनर्स यूज करोगे, दैट इज व्हेन, हाउ, व्हाई, व्हाट, कैसे हुआ, क्यों हुआ, तुम कब से ऐसे बिहेव करते हो, किस जगह पे तुम्हें प्रॉब्लम है. तो WH क्वेश्चंस बहुत आता है. डॉक्टर क्या पूछता है जब पेशेंट जाते हैं उनके पास? तो वो पूछता है आपको कब से बीमारी है, आपको पेट में दर्द है, कब से है, क्यों है, क्या खाए थे, क्या नहीं किए थे. तो कितने सारे WH क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, ठीक है ना, व्हेन, हाउ, व्हाई, व्हाट, वेयर, कब हुआ था, क्यों हुआ था, सब कुछ पूछते हैं. तो टीचर भी सेम थिंग करते हैं एकेडमिक सॉल्यूशंस देने के लिए बच्चों का अगर एकेडमिक इश्यूज होते हैं. तो यहाँ पे बच्चों को हम इंटरव्यूज करके ऑब्जर्वेशन के थ्रू कर सकते हैं. इम्पोर्टेंस क्या है? बच्चों को हम एनालिसिस क्यों करते हैं, क्यों हम उनको ऑब्जर्वेशन करके उनका प्रॉब्लम को सॉल्व करने को ट्राई करते हैं? क्योंकि हमें सेटिस्फैक्टरी लेवल ऑफ डायग्नोसिस तक पहुंचना है जहां पे बच्चों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए एंड उनको सेटिस्फैक्शन के साथ रिजल्ट्स मिले. दैट मीन्स सेटिस्फैक्टरीली उनका रिजल्ट आए, उनका जो प्लानिंग है वो इम्प्लीमेंट हो. सेकेंड पॉइंट,
for attaining maximum effectiveness in teaching and diagnosis of a child learning difficulty should be met as early as possible. Suppose एक बच्चा just like autism का शिकार है, autism या फिर mental retardness, वो mentally बहुत ही weak है and they cannot remember anything or they cannot read anything. अगर मैंने बहुत सारे बच्चों का बात बोला कि mental retardness बहुत बच्चों को होता है, autism बहुत लोगों को है, तो वो weak हो जाते हैं mentally. They are not strong enough to read or capable to read or store anything. Just like knowledge या factual कोई information दो तो वो store नहीं कर सकते. तो उनका problem को as soon as possible हम सॉल्व करने को ट्राई कर रहे हैं. देन नेक्स्ट पॉइंट पे, व्हेन द नेचर एंड एक्सटेंट एंड कॉजेस ऑफ द चाइल्ड रिटार्डनेस एंड एक्सेलरेशन आर नोन. जब आपको पता है कि बच्चे के पास जो नेगेटिव पॉइंट है, दैट इज उनका जो वीकनेस है, जिस पॉइंट पे उसका कमी है, अगर हम उसको बोले कि तुम इस पॉइंट को छोड़ दे, तो वो डर के मारे छोड़ देगा, बिकॉज उससे होता नहीं है. जैसे कि कभी भी आप कोई भी टीचर को पूछोगे, मैम ये पॉइंट छोड़ दे, ये डिफिकल्ट लग रहा है. नहीं, डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है तो उसको रिपीटेशन करना चाहिए. जैसे कि ये मूवी में मैंने बोला भी था कि डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में जानना हो, अचीवमेंट के बारे में जानना हो, या फिर कोई भी बच्चा को रेमेडियल टीचिंग देना हो, तो ये सारे प्रोसेस को हम बच्चों में जो इश्यूज हैं उसको चेक करने के लिए, उनके परफॉर्मेंस को उसके क्योर के बाद कैसे कर रहे हैं उसको चेक करने के लिए करते हैं. तो ये चीज़ मूवी जैसे कि चॉक एंड डस्ट हो गया, या फिर मैंने बोला था तारे जमीन पर, ये दोनों मूवी पे डिट्टो ये चीज़ों को बताया गया है कि एक बच्चा कितना वीक है. वो 6 को 9 देखता है, 9 को 6 देखता है, सी को वो उल्टा लिखता है, बी को वो डी समझता है, डी को वो बी समझता है. ये सारे जो इश्यूज होते हैं बच्चों का मेंटल रिटार्डनेस की वजह से होता है. एंड ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करना है इफ़ यू नो बेटर, कि आपको पता है कि बच्चा का क्या इशू है. इफ़ यू नो द इशू, देन गेट द सोल्यूशन एंड give them a particular solution or remedial teaching to them to cure their problems. तो उनके problems को solve करने के लिए effective learning को provide करने के लिए हम करते हैं. So यहाँ पे ना और भी है, Monroe ओके, Monroe एक educationist है, उन्होंने भी बोला था कि हमें क्या करना चाहिए, बच्चों में desirable, मतलब आप जो चाहते हो या बच्चों का जो need है कि आप चाहते हो आपके बच्चों में desirable changes आए, educational points आए. अच्छा, suppose think that आपको मैंने एक classroom दे दिया and classroom में at least 30 students हैं, and 30 students के अंदर out of 30, 10 are very weak in their subjects. कुछ subjects में just like in English or mathematics or science कुछ बच्चे weak हैं. So आप क्या करोगे, कुछ teacher होंगे उनको अच्छे से समझाएंगे, उनको पढ़ाने को try करेंगे. कुछ teacher ऐसे भी होंगे, अरे तुमको नहीं आता है, तुम इतना बुद्धू है, चलो मारना पीटना start करेंगे. So which one is best, कौन सा ठीक रहेगा, कौन सा ठीक रहेगा बताओ, फर्स्ट वन और सेकंड वन? फर्स्ट वन. समझाना अपने बच्चों को भी, जैसे कि हमारे इंडियन फैमिलीज में इंडियन पेरेंट्स आर वेरी स्ट्रांग एंड उनका स्ट्रेंथनेस जो रहता है या स्ट्रेंथनिंग पॉइंट जो रहता है वो है कि हम वीक हैं, हमारा आईक्यू लेवल कम है, बट वी नीड दैट हमारे बच्चों का आईक्यू लेवल हाई हो. ठीक है, मतलब उनको सिर्फ खाने में वो दाल भात देंगे फिर भी वो आईक्यू लेवल में बात करेंगे. अगर बच्चों को पोषण नहीं मिलेगा उनका डेवलपमेंट कैसे होगा, ये तो पहला थिंग है. उसके बाद बहुत सारे लोगों ने क्या क्या ड्रिंक करते हैं, दे लाइक ड्रिंक और दे जस्ट लाइक और भी बहुत ज़्यादा स्टिग्मा रहता है उनका, कि स्टिग्माशन उनका पॉइंट रहता है कि वो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड और एडिक्टेड होते हैं टुवर्ड्स स्मोकिंग और टुवर्ड्स जस्ट लाइक उसको क्या बोलते हैं, और भी है गुटखा ये सब, ओके जस्ट लाइक ये सारे जो प्रोडक्ट्स रहते हैं. तो उससे ना बहुत ज़्यादा ही इशू आता है, क्योंकि नॉलेज हो या फिर आईक्यू लेवल हो या बॉडीली कोई भी चीज़ हो, ये कैरेक्टर्स बच्चों में भी ट्रांसफ़र होते हैं. वो पेरेंट्स आइदर मदर से भी होता है, फादर से भी होता है, ऐसा नहीं है जो अकेला मदर से ही ट्रांसफ़र होगा. तो आप अगर बीमार हो, आप अगर ड्रिंक करते हो या फिर कंज्यूम करते हो, दैट मीन्स उसका इफेक्ट आपके बच्चों में भी आएगा. ये जेन्युइन सा फैक्ट है.
ठीक है, इसके वजह से भी बच्चों का आईक्यू लेवल डिस्टर्ब्ड होता है, या फिर फिजिकली वो बहुत ही वीक होते हैं, थिन होते हैं, या फिर उनको पोलियो भी हो सकता है, कोई भी इशू आ सकता है सडनली, इवन ये बोन का जो स्ट्रेंथ होता है वो भी वीक हो सकता है, बहुत कुछ पॉइंट्स हैं। अभी है कि हम बच्चों में डिजायरेबल चेंजेस लाना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज करना पड़ेगा खुद के माइंड को, कि हम जैसे हैं उस तरह से हम खुद को नहीं बना पाए तो बच्चों को हम इतना ज़्यादा टॉर्चर नहीं करेंगे। बच्चों को कभी भी मारना पीटना नहीं है, बच्चों को पहले समझाओ, समझने के बाद उनका कौन से पॉइंट पे इशू है उसको टारगेट करो, दैट इज़ कॉल्ड डायग्नोसिस। उनके पॉइंट को इशू कर मतलब लोकेट करने के बाद, उनके पॉइंट और इशू को लोकेट करने के बाद उसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं हम लोग, या फिर कौन सा पॉइंट को हम यूज़ कर सकते हैं, हाउ वी इम्प्लीमेंट द न्यू थिंग्स इन दैम बाई यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी और बाई यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस, हाउ टू कंट्रोल देयर प्रॉब्लम्स, हाउ टू चेंज देयर फिजिक्स, हाउ टू चेंज देयर आईक्यू, ये सारे पॉइंट्स को हम डिजायरेबल चेंजेस बोलते हैं। तो बच्चों को मारने से नहीं होगा, सॉल्व आउट करना पड़ेगा। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैक्टर विच इंटरफेयरिंग इन द ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल। देखो अभी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑलरेडी पढ़े थे, उसमें जानते हो आप लोग कि वेरियस फैक्टर्स आर देयर एंड दिस फैक्टर्स आर इन्वॉल्व इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड अफेक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वेरी मच। सो ये फैक्टर्स जो है बहुत ज़्यादा ही मतलब इंटरफेयर करते हैं हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। समहाउ हम ऐसा भी होता है कि जैसे मेरे ही केस में बोलती हूँ कि मेरे पेरेंट्स का हाइट मुझसे ज़्यादा है, मेरा शॉर्ट हाइट है, ड्यू टू सम रीज़न आई एम वेरी वीक इन अर्ली पीरियड एंड जो भी हो मेरे बेबी स्टेज में मैं बहुत ज़्यादा वीक थी, सो दैट मेरा ग्रोथ नहीं हुआ। तो ये सारे इश्यूज हो सकते हैं, ये सारे इश्यूज पेरेंट्स के कोई भी एक पेरेंट्स के प्रॉब्लम की वजह से मुझ में आया है, तो ये सब में होता है, तो उसमें हम डायग्नोसिस करना चाहिए, उसका इफेक्ट एजुकेशन से लेकर लाइफ तक सब में पड़ता है। सो यहाँ पे देखो रॉस का यहाँ पे पॉइंट है, ये सारा चीज़ ना सीटेट लेवल का ही है, क्योंकि सीटेट में बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी, बाय चांस का बात बोलूं कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आप बोलोगे कहाँ से आ गया, तो हमारे बुक्स में भी मेंशन नहीं होता। सो 1956 में ये 5 लेवल्स ऑफ डायग्नोसिस पूछा गया। अभी मैं अपने बोला था कि WH क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, हु आर द पीपल हैविंग प्रॉब्लम, किन बच्चों को प्रॉब्लम है, वेयर द एरर्स लोकेटेड, दैट मीन्स बच्चों में कौन से पॉइंट में इशू है, एजुकेशनल पॉइंट पे, प्रोफेशनल पॉइंट पे, या फिर मैथमेटिक्स में, साइंस में, सोशल साइंस में, किस में, वाई डिड द एरर ऑकर, क्यों उसमें एरर हुआ, क्यों आया मतलब रॉन्गली ये प्रॉब्लम क्यों स्टार्ट हुआ, क्योंकि उनके फादर का ये इशू था, या फिर उनके फादर ड्रिंक करते हैं, या फिर उनके मदर बहुत ही आईक्यू लेवल कम कैरी करती है, या फिर उनके मदर को पैरालाइज्ड हो गए थे या पैरालिसिस हुआ था, कोई भी इशू हो सकता है। व्हाट रेमेडीज आर सजेस्टेड, अगर ये प्रॉब्लम्स हैं बच्चों को, उनका आईक्यू लेवल कम है, तो उनके लिए कौन सा रेमेडीज आप उपचार दोगे, हाउ कैन द एरर बी प्रिवेंटेड, इस एरर्स को कैसे आप सॉल्व करोगे, ठीक है, रोकोगे कैसे। द फर्स्ट 4 आर ग्रुप्ड एज करेक्टिव डायग्नोसिस। देखो इसके बेसिस में जो 5 क्वेश्चंस मैंने किया, कुछ 5 में जो पहला 4 था उसको हमने करेक्टिव डायग्नोसिस बोला, एंड कैसे सॉल्व करना है, जब सॉल्व का बात आ जाए तो 5th इज द प्रिवेंटिव वन, जहाँ से हम प्रिकॉशन ले सकते हैं, खुद को क्योर कर सकते हैं। ये पॉइंट हो गया आपका पूरा डायग्नोसिस का कंसेप्ट, ठीक है। अभी देखो डायग्नोस्टिक टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट इज अ टेस्ट डिजाइन टू लोकेट द स्पेसिफिक लर्निंग डिफिशियंसिस। एक पॉइंट बहुत अच्छे से कर लो, नेक्स्ट पॉइंट नहीं करोगे चलेगा, कि डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है ना, ये डिजाइन किया गया है, यहाँ पे जो पिक्चर है ये डायग्नोस्टिक टेस्ट का नहीं है, ये ओनली ऐसे ही पिक्चर है, तो उसको मत बनाना, ऐसे ही इंटरेस्टिंग करने के लिए बनाया गया दिया गया। तो ये डायग्नोस्टिक टेस्ट इज अ टेस्ट डिजाइन टू लोकेट द स्पेसिफिक लर्निंग डिफिशियंसिस, बच्चों का कौन से लर्निंग डिफिशियंसिस है। जैसे मैं कुछ कुछ वर्ड्स बोलती हूँ, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिस जैसे कि हम और भी बहुत सारे डिस हैं, दैट इज हम बोल सकते हैं अगर डिसकैलकुलिया है, कैलकुलिया मीन्स अनेबल टू कैलकुलेशन, सो वो कैलकुलेशन नहीं कर पाता, मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन है, बच्चा कैलकुलेशन में वीक है, तो उसको उसी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम सोल्यूशन देंगे। अगर बोलूँ मैं डिसग्राफिया, तो उसको रीडिंग में एंड राइटिंग में इश्यूज हैं, रीडिंग में नहीं सॉरी राइटिंग में इश्यूज हैं, ठीक है। वैसे और भी होता है,
डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया मतलब रीडिंग में जिनको इश्यूज आता है उसको डिसलेक्सिया हम लोग बोलते हैं, जो बोलते बोलते तुतलाता है या फिर मतलब फंबल इज जस्ट एक नॉर्मल थिंग है, फंबल होना, एक आध बार फंबल इज ओके, बट समटाइम्स हम लोग होते हैं ना, मतलब हर टाइम पे हम लोग ऐसी बात करें, एवरी टाइम. So we are very weak in reading, so that we cannot assume that where we place that word or that शब्द हम जो बोलते हैं उसको place करें, कहाँ पे हमें क्या बोलना है हमें पता नहीं चलता. तो वो सारे issues को पहले हम locate करते हैं, कौन से stage of learning में ये problem है. आप छोटे हो, early stage में हो, या फिर primary stage में हो, upper primary में हो, या secondary, मतलब education system में जितना आप आगे बढ़ते जाओगे उस problem के साथ वो problem और भी बढ़ता जाएगा, इसलिए लोकेट करना बहुत जल्दी जरूरी होता है. उसके बाद अगर सपोज किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो उसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका किस चीज में प्रॉब्लम है एंड उसको कैसे करना है. अगर उसका प्रॉब्लम नॉर्मल है, अर्ली स्टेज में है, तो उसको हम स्टडी मटेरियल देंगे एंड ब्रेक पॉइंट पे समझाएंगे. ब्रेक पॉइंट क्या होता है, जस्ट लाइक छोटे छोटे पार्ट्स में समझाना. सो जैसे कि एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है एंड बच्चा को समझ नहीं आएगा, तो आज 5 लाइन, कल 5 लाइन, परसों 5 लाइन, ऐसे करके मैं समझाऊंगी. एंड जब मैं समझाऊंगी, सपोज आज मैंने 5 लाइन पढ़ाया, कल मैं 5 लाइन पढ़ाई, बट कल जब 5 लाइन पढ़ाऊंगी नेक्स्ट 5 लाइन्स, देन मैं क्या करूंगी कि वो दोनों को कंबाइन करके उसको बोलूंगी रीड करो, रीड आउट करने बोलूंगी. आफ्टर रीड आउट देन मैं क्वेश्चन आस्क करूंगी, तो उसका रिविजन चलते रहेगा, तो लास्ट तक बच्चा पूरा समझ जाएगा. तो ऐसा प्रोसेस क्या हो जाता है नॉर्मल अर्ली स्टेज ऑफ लर्निंग में. बाकी के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायग्नोसिस है पहला पॉइंट है, इसका जो पॉइंट्स हम लोग कर रहे हैं, तो एजुकेशनल पॉइंट्स आप जानते हो, ऑब्जेक्टिव, देन आता है वैलिडिटी, देन आता है ऑब्जेक्टिविटी. ऑब्जेक्टिव अलग है, ऑब्जेक्टिविटी अलग होता है. रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी के बाद लेवल्स ऑफ डायग्नोसिस एंड कंपेरेबिलिटी, जहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं. लेवल्स ऑफ डायग्नोसिस ये पॉइंट एक्स्ट्रा हो गया, दोबारा हो गया. एग्जैक्टनेस एंड कंप्रीहेंसिवनेस एंड लास्टली अप्रोप्रिएटनेस, प्रैक्टिकेबिलिटी, क्वालिफाइड डायग्नोस्टिक सीएंस एंड लास्टली ये कुक का डायग्नोस्टिक टेस्ट के ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन है. बच्चा अगर आप लोगों को ये डायग्नोस्टिक का जो कैरेक्टर्स हैं वो याद रहता है, तो डायग्रामेटिक ओनली प्रेजेंट करना, एक एक लाइन में समझना कि क्या बोल रही हूँ मैं, ठीक है, उतना समझ के खुद से लिख दोगे तो हो जाएगा. ये पॉइंट्स लिख सकते हो, नहीं भी लिखो चलेगा. फंक्शन ऑफ डायग्नोस्टिक, यस प्लीज बोलो. नहीं, सारे पेडागोजी सब्जेक्ट के लिए नहीं है, बट आपका आपके एग्जाम्स के बाद ही सीटेट का एग्जाम उसमें है, ठीक है. अभी मैंने बोला 15 मिनट के लिए तो सब ज्वाइन हो गए हो ऑलरेडी, तो ये मैं पहले समझा दूँ फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी. ये भी एक टाइप का टॉपिक है जो कि आपको इवैल्यूएशन आया तो उसके अंदर लिखना है, डायग्नोस्टिक टेस्ट आता है, बिकॉज इवैल्यूएशन का 4 पार्ट है, एक है फॉर्मेटिव, एक है सबमेटिव, थर्ड वन इज द डायग्नोस्टिक एंड फोर्थ वन इज द प्रोग्नोस्टिक. ये 4 पार्ट होता है, या फिर प्लेसमेंट इवैल्यूएशन भी बोलते हैं. सो डायग्नोस्टिक इज कॉमन फॉर एवरीवन, बिकॉज उनमें इवैल्यूएशन और मूल्यांकन का एक विषय आता है, तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं, ठीक है. जिनका ये डिटेल्ड है वो डिटेल्ड कर लेंगे, एंड जिनका थोड़ा सा चाहिए वो थोड़ा सा कंसेप्ट जान के रखेंगे बस. तो ये अभी चलते हैं हम लोग पहले ये पॉइंट्स पे. सो फर्स्ट देखो, समझना है, याद भी रखना है. तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायग्नोसिस, डायग्नोसिस कैसा है ना, ऑब्जेक्टिव है. ऑब्जेक्टिव मीन्स इट इज टास्क बेस्ड, शॉर्टकट याद रखो, टास्क बेस्ड, ये टास्क के ऊपर निर्भर करता है, दैट इज टास्क बेस्ड. आप जैसे कि टास्क बेस्ड क्या होता है, हेलो, यस ऑब्वियस, रिमेडियल टीचिंग में भी लिख सकते हो, ठीक है, ओके. सो ऑब्जेक्टिव दैट इज टास्क बेस्ड मीन्स होता है आपका कौन से प्रॉब्लम है, कौन सा इशू है आपको, तो उसी इशू को हमने टास्क जैसे लिया. सपोज एक डॉक्टर अगर हुआ, तो डॉक्टर कौन से चीज पे डॉक्टरी करता है,
दैट ऑल्सो स्पेसिफिक ना, स्पेसिफिक होता है, जैसे कि गायनेकोलॉजिस्ट या फिर न्यूरोलॉजिस्ट या फिर बोलो तो मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ सर्जियंस होता है कि सर्जरी करते तो सर्जियंस, और हार्ट स्पेशलिस्ट और चाइल्ड स्पेशलिस्ट, ऐसे होते हैं ना. क्यों होते हैं? बिकॉज वो डिफरेंट टास्क बेस्ड होता है. तो ये ऑब्जेक्टिव क्या है ना, इसका ऑब्जेक्टिव है ये भी टास्क बेस्ड है, मतलब जो चीज़ों को चेंजेस करना है या जो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है उसी प्रॉब्लम के रिलेटेड ये वर्क होता है, उसी रिलेटेड ये वर्क करता है. सो ये हो गया फर्स्ट ऑब्जेक्टिव. देन आया वैलिडिटी. आप जो डायग्नोसिस कर रहे हो बच्चों को, डायग्नोस कर रहे हो, तो उसका वैलिडिटी कितने टाइम का है. जस्ट लाइक मुझे बुखार है एंड डॉक्टर गेव मी सम डोजेस ऑफ मेडिसिन एंड ये डोजेस हैं, मतलब कम डोज का भी होता है, हाई डोज का भी होता है, लो डोज हाई डोज, तो मुझे किस तरह का दिया गया है उसका वैलिडिटी कितना है. सपोज मैंने मेडिसिन का नाम अभी सिंपली जो आप लोग जानते हो पैरासिटामोल, ये तो सब कोई जानते हैं, उसका रेंज देखो सब अलग अलग होता है, 500, 650, 1000 सब है. अभी अगर आपका नॉर्मली फीवर है, प्लीज माइक्रोफोन आपको हल्का फुल्का बुखार है तो डॉक्टर आपको क्या देंगे, पैरासिटामोल 500 देंगे. अगर आपको थोड़ा सा हाई फीवर है जस्ट लाइक 101, 102 तो आपको 650 का रेंज दिया जाएगा. अगर थोड़ा सा और हाई हो गया जो कि बुखार छूट ही नहीं रहा है, आप जितना मेडिसिन ले रहे हो छूट नहीं रहा है, तो 1000 मिलता है. तो देखो ये पूरा होता है क्या कि आपका फीवर कितना रेंज का है एंड कितने टाइम तक वो रह रहा है, आपका मेडिसिन कितने टाइम तक वैलिड हो रहा है, दैट मीन्स कितना टाइम तक वो वर्क कर सकता है, तो उसके वेस्ट पे ही ये होता है. वैसे ही डॉक्टर जैसे करते हैं वैसे ही टीचर भी करेंगे. सपोज एक प्रॉब्लम है तो बच्चों को हमने टेस्ट लिया, कौन से जगह पे उसका इशू है उसको लोकेट कर दिया. अभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं अभी प्रिवेंटिव मेजर्स लूँगी कि छोटे छोटे पॉइंट्स में कुछ मैं उसको मेंटल वर्क दूंगी कि उनका इशू को सॉल्व कर सकूँ. तो इस पॉइंट पे उनका डायग्नोसिस होते रहेगा एंड हम लोग न्यू वे से और भी डिस्कवरिंग करेंगे कि उनका और क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं. तो ये वैलिडिटी है. ऑब्जेक्टिविटी जस्ट लाइक पर्सनल जजमेंट को चेक करने के लिए कि आपको डायग्नोसिस के बाद चेंजेस आया कि नहीं आया आप में. अगर आया तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, रिव्यू क्या है, तो उस पॉइंट तक हम पहुंच रहे हैं. रिलायबिलिटी इज ए जस्ट लाइक ए फ्लक्चुएशन. ये होता है कि आप कंक्लूजन तक आने वाले हो, फिर से आप बीमार पड़ गए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला था फिर से आपको वही प्रॉब्लम आ रहा है. तो ये होता है कि आप कितनी रिपीटेडली उसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, सफर कर रहे हो, तो उसको चेक करने के लिए रिलायबिलिटी पॉइंट को रखा गया है, क्योंकि डायग्नोसिस एवरी टाइम बहुत रिलायबल होता है एंड यूज कर सकते हो मेनी टाइम्स. ठीक है, शॉर्टकट वे में बोल रही हूँ. लेवल्स ऑफ डायग्नोसिस हैं, ये डिफरेंट एरियाज पे डिफरेंट लेवल्स का होता है. एक बच्चा को लो ऑटिज्म है तो हल्का फुल्का ऑटिज्म होता है, तो वो जैसे जैसे बड़ा होता है वो सॉल्व हो जाता है. कुछ बच्चों को होता है कि रीडिंग इश्यूज नहीं है बट राइटिंग इश्यूज बहुत जोर का है, मतलब वो पढ़ना जानते, सब कुछ पढ़ देते, सब कुछ याद रहता है, बट लिखने में उनको पसंद नहीं, तो उनका इशू वहाँ पे है. कुछ बच्चे हैं लिखने में बहुत एक्सपर्ट हैं बट बोलेंगे नहीं कुछ, तो ये सारा इश्यूज है, उस लेवल पे डायग्नोसिस किया जाता है. कंपेरेबिलिटी, अभी देखो आपके घर पे दो चाइल्ड्स हैं, दो बच्चे हैं, अभी दो बच्चों में दो चिल्ड्रन हैं, तो अभी एक बच्चे को बहुत ही मेजर ऑटिज्म है और कुछ, और एक बच्चे को मेंटल रिटार्डनेस है, वो भी कम लेवल का. अभी दोनों को हम क्या सेम मेजर्स में काउंट करेंगे या फिर सेम पॉइंट पे डायग्नोसिस करेंगे? नहीं, दोनों का लेवल अलग होगा. तो हम दोनों का डेटा पहले कलेक्ट करेंगे कि उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कौन से लेवल का प्रॉब्लम्स है, उसके बाद हम दोनों को सॉल्व आउट करेंगे कि पहले को हमने बहुत ज़्यादा देखा, उनमें बहुत ज़्यादा ही इशूज़ हैं, वो स्लो लर्नर है, कुछ समझ नहीं पा रहे, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मेजर इशूज़ वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, कुछ बोल नहीं पाते, तो उनको हम मेडिसिन देंगे, बहुत ज़्यादा सब कुछ देंगे, सपोर्ट देंगे. जिसको मेंटल रिटार्डनेस है थोड़ा कम है, मतलब वो आईक्यू लेवल से एवरेज से थोड़ा कम है, बट वो इडियट नहीं है या डम्ब नहीं है, ठीक है, तो हम उनको
थोड़ा सा सपोर्ट देंगे, केयर देंगे, पढ़ने का स्ट्रैटेजी देंगे तो वो सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसा होता है कंपेरेबिलिटी, दोनों चीज़ों के अंदर, दो पॉइंट के अंदर, दो जो भी पॉइंट्स हैं उसको करेक्ट करने के लिए। हो गया एग्जैक्टनेस, कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट करोगे किस प्रॉब्लम के लिए, वो होता है एग्जैक्टनेस। दैट इज कॉल्ड क्लासेस टू डिस्कवर द पॉइंट्स वेयर द एक्चुअल इशूज ऑकर, कहाँ पे एक्चुअल इशू है। आपको भी इशू है, मुझे भी इशू है, बट इशूज जो भी है वो पॉइंट वाइज वेरी करता है। मेरा जो इशू है, मेरा रिटार्डनेस है, दैट मीन्स मेंटली मैं वीक हूँ, बट नॉट इन इंग्लिश बट इन मैथमेटिक्स। बट यू आर वेरी स्ट्रांग इन इंग्लिश बट वीक इन साइंस। सो हमारा कॉमन पॉइंट है कि हम लोग इंग्लिश में अच्छे, बट अलग अलग पॉइंट्स पे हमारा डिफिकल्टीज आता है। तो हम एग्जैक्टली मेरे लिए जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा आपके लिए नहीं होगा, एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकता, सब अलग अलग होता है। आफ्टर एनालिसिस इसको हम करेक्ट करते हैं। कंप्रीहेंसिवनेस, दैट इज जो पॉइंट पे डायग्नोसिस अगर इनकम्प्लीट जैसा हो जाए, हम लोग इनकम्प्लीट वर्क करें, तो क्या वो सक्सेसफुल रहेगा, नहीं। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि बच्चा अगर कुछ पॉइंट तक ठीक हो रहा है, कैरेक्टर्स उसमें चेंजेस आ रहे हैं, या फिर उसमें जो मेजर इश्यूज है वो सॉल्व हो रहे हैं, तो कौन से डायग्नोसिस के वजह से वो सॉल्व हुआ। अगर वो वर्क नहीं किया तो उस डायग्नोसिस को हम रिजेक्ट करेंगे। नो डायग्नोसिस एट ऑल इन ऑर्डर एस्पेक्ट, सारे बच्चों के लिए सेम नहीं होता है सारे डायग्नोसिस। सो वी हैव टू चेक कि कौन सा, which one is better for this person, which belonging to mental retardness, or which belongs to this problem, or which belongs to this problem. उसके basis पे हम exact and comprehensive manner पे चलेंगे। अभी point आता है appropriateness, practicability, and qualified diagnosticians. क्वालिफाइड डायग्नोस्टिशियंस आप जानते हो जो कि क्वालिफाइड होना चाहिए। देखो एवरी टीचर्स आर नॉट जस्ट लाइक ए गाइडर और काउंसलर, वेरी गुड काउंसलर्स आर नॉट अ टीचर और वेरी गुड टीचर्स आर नॉट ए काउंसलर, ये एवरी टाइम पॉसिबल नहीं है। सम हाउ सम टीचर्स आर वेरी गुड इन काउंसलिंग ऑल्सो, गाइडेंस ऑल्सो, एंड वेरी गुड टीचर ऑल्सो, दे आर टीचिंग ऑल्सो वेरी गुड। सो इस पॉइंट पे हर एक चीज़ में हम एग्जैक्ट नहीं हो सकते ना, वैसा बोला नहीं जाता। जैसे कि मे बी यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट बट नॉट गुड इन टीचिंग, सम हाउ सम स्टूडेंट्स आर वीक इन देयर पास्ट, मतलब वो जब बचपन में थे पढ़ रहे थे तब बहुत ही वीक थे अपने स्टडीज में, बट nowadays दे आर वेरी एक्सलेंट इन देयर जॉब एंड ड्यूटीज और इन देयर टीचिंग। तो ऐसे माना जाता है कि डायग्नोसियंस भी करेक्ट होने चाहिए, परफेक्ट होने चाहिए, क्वालिफाइड होने चाहिए, जो कि एक्चुअल डायग्नोस्टिशियंस जैसे वो वर्क करे, या फिर एक्चुअल जो प्रिकॉशंस लेना चाहिए वो करे। प्रैक्टिकलिटी जो होता है क्वालिफाइड जो पॉइंट्स हैं उसी के बेसिस पर, मतलब हम लोग प्रोसीजर्स यूज़ करेंगे। कोई बच्चा का प्रॉब्लम इतना ज़्यादा है, वो एग्ज़ाम के डर से मतलब वीकनेस आ जाती है, या फिर उसको बुखार आ जाता है, तो ये भी एक टाइप का इशू है, उसमें उसको सॉल्व करना पड़ता है, तो वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, या फिर डिफरेंट लेवल ऑफ काउंसलिंग देगा, प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, सब कुछ करेगा। ये प्रैक्टिकलिटी, दैट मीन्स प्रैक्टिकली वो कर सकता है, सॉल्व करेगा। एप्रोप्रिएटनेस, कितना चेंजेस आप में आया मेरे बोलने के बाद, या फिर मैं अगर एक गाइडर हूँ, काउंसलर हूँ, या फिर डायग्नोस्टिशियन हूँ, मैं आपको डायग्नोसिस करने के बाद जो सोल्यूशन दी उसमें आपका कितना हेल्प हुआ, ये पॉइंट्स हो गया। ठीक है, अभी देखो कुक का जो पॉइंट है वही सेम पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड है, तो हमें नहीं करना हुआ ज़्यादा। फंक्शन क्या है, एक एक लाइन पे फंक्शन लिखोगे, चार पांच पॉइंट लिखोगे, छोड़ दोगे। इसके बाद जो पॉइंट है ना, जस्ट लाइक एक एक पॉइंट को फिर समझाया गया है, तो जो रेड मतलब लाइन से लिखा गया, दैट इज हेडिंग दिए गए हैं, उस पॉइंट को समझ लो, बाकी के पॉइंट्स खुद से कर लेना। सो देखो फर्स्ट थिंग यहाँ पे मेंशन क्या है, यहाँ पे है फंक्शन ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो कुक के अकॉर्डिंग जो फंक्शन ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट मेंशन है, टू डायरेक्ट द करिकुलम एम्फेसिस बाय डैश। अच्छा देखो, अभी मैं बोल रही हूँ कि करिकुलम इज फॉर ऑल और इज फॉर ओनली वन पर्सन, बोल सकते हो करिकुलम सबके लिए होता है। पाठ्यचर्या जब बनता है वो सबके लिए बनता है कि अकेला एक पर्सन के लिए बनता है, सबके लिए बनता है। सो हम अगर कुछ बच्चों का वीकनेसेस के वजह से उनको छोड़ दे, ठीक है, उनको ना पढ़ाए, तो ये करेक्ट होगा, नहीं। हमें पूरे सोसाइटी को, पूरे इंडिया को, पूरे वर्ल्ड को एजुकेट करना है,
दैट मीन्स यहाँ पे सब कुछ इंक्लूडेड है, सब कोई इंक्लूडेड होंगे, फिजिकली हैंडीकैप, मेंटली रिटार्डेड, ऑटिज्म से जो बिलोंग करते हैं, जिनको आईक्यू लेवल कम है, सबको पढ़ाना है. सो हमें करिकुलम उस अकॉर्डिंग फोकस करके बनाना पड़ेगा. वैसे ही उन बच्चों के लिए क्लैरिफाई करना पड़ेगा. उनके लिए जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा उसके लिए चार्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा, कौन सा उनका वीकनेसेस है, कौन सा उनका स्ट्रेंथ है, उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा. टू प्रोवाइड फॉर एजुकेशनल गाइडेंस ऑफ पीपल. सो बच्चों को एजुकेशनल गाइडेंस भी प्रोवाइड करना है क्योंकि वो वीक हैं. सो हम प्रोवाइड करेंगे गाइडेंस कि वो कौन से पॉइंट पे डिजर्वल्ड है, कौन से पॉइंट पे वीक हैं, उसको सॉल्व कर सकें. अभी देखो, टू स्टिमुलेट लर्निंग एक्टिविटीज ऑफ द पीपल. बच्चों का जो लर्निंग एक्टिविटीज है, प्रोग्रेस है या फिर अचीवमेंट है, उसको हम और ज़्यादा इन्फ्लुएंस करें, प्रमोट करें कि वो बढ़े, कम्पीट करें सबके साथ और आगे बढ़ते जाए. देन टू डायरेक्ट एंड मोटिवेट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सुपरवाइजरी एफर्ट. अभी देखो, मोटिवेट करना है एंड डायरेक्ट करना है किसको? डायरेक्ट मतलब इंस्ट्रक्शन देना है किसको? एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल को. एंड सुपरवाइजरी जो एफर्ट है, आप जो कुछ लोगों को असाइन करते हो कि तुम घूम घूम के देखो कौन सा बच्चा क्या कर रहा है, कौन सा बच्चा का क्या इशू है, उसको सॉल्व करने के लिए. तो इस पॉइंट पे हम हर एक बच्चे का जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है उसको भी जज करें, हर एक लेवल से उसको जज करें, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें. सो ये है कंस्ट्रक्शन ऑफ द डायग्नोस्टिक टेस्ट, कैसे बनाया जाता है. तो यहाँ पे ये ओनली जान लो, पहले प्लानिंग करोगे, देन राइटिंग आइटम्स, बच्चों का इश्यूज को जानना है ना, कौन से पॉइंट पे उनका वीकनेसेस हैं, कौन सा पॉइंट उनका स्ट्रेंथनेस है, तो उसको जानने के लिए हमें नोट डाउन करना पड़ेगा, रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, सो दैट राइटिंग आइटम्स यहाँ पे मेंशन है. देन आया ये पॉइंट असेंबलिंग टेस्ट. तो असेंबलिंग टेस्ट में होता है कि जो भी टेस्ट मटेरियल्स हैं उसको असेंबल्ड करो, आफ्टर दैट उनको प्रोवाइड करो डायरेक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया कि आपका कौन सा प्रॉब्लम है उसको देखा, देन मैंने आपको राइटिंग आइटम्स दिया, देन असेंबलिंग किया टेस्ट को, कि पूरा टेस्ट मटेरियल्स को हमने दे दिया, अभी मैं जज करूँगा आपको. उसके बाद मैंने आपको प्रोवाइड किया जजमेंट करने के लिए, डायरेक्शंस भी दिया, प्रिपेयर भी किया कि कौन से पॉइंट पे वीकनेस है, कौन सा स्ट्रेंथन है, तो उसको चेक किया. देन स्कोरिंग की बनाया कि चेक करने के लिए विच वन इज़ करेक्ट, विच वन इज़ रॉन्ग, और कितना है, कौन से स्केल तक आप जा रहे हो, कि कहाँ तक आपका प्रॉब्लम्स है. देन रिव्यूइंग द टेस्ट, टेस्ट मटेरियल को हमने रिव्यू किया. तो ये पॉइंट्स रहा, एंड उस पॉइंट को अगेन एक्सप्लेन किया गया, प्लानिंग, राइटिंग आइटम्स क्या क्या होंगे, जहाँ पे आप क्वेश्चंस करोगे WH क्वेश्चंस, असेंबलिंग द टेस्ट, जहाँ पे हम ऑल टुगेदर जितने भी ब्लूप्रिंट मटेरियल्स हैं उसको हम क्या करेंगे, पहले अवॉइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बच्चों का हमें जो भी स्पेसिफाइड प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है. प्रोवाइडिंग डायरेक्शन एंड प्रिपेयरिंग स्कोरिंग की, प्रिसाइज मैनर पे, एग्जैक्ट मैनर पे स्कोरिंग की प्रिपेयर करेंगे बच्चों को इंस्ट्रक्शन देने के लिए. रिव्यूइंग द टेस्ट, टेस्ट मटेरियल को हम रिव्यू करेंगे कि बच्चों का कौन से पॉइंट पे सही रहा, क्या रहा. अभी देखो यूजर्स, जो यूजर्स ऊपर पढ़ के आए थे उसी पॉइंट्स को यहाँ पे फिर से मेंशन है एंड कंक्लूजन है. तो यूजर्स, अगर फंक्शन लिख रहे हो तो यूजर्स नहीं लिखोगे, यूजर्स लिख रहे हो तो फंक्शन नहीं लिखोगे, जो क्वेश्चन में आस्क होगा उसी के अकॉर्डिंग लिखते हैं. एंड कंक्लूजन क्या लिखोगे, द टेस्ट मतलब अचीवमेंट टेस्ट का भी कंक्लूजन जो होता है इसका भी वही होगा कि इसमें क्या चेंजेस है. देखो अचीवमेंट टेस्ट में परफॉर्मेंस चेक करने के लिए होता है, यहाँ पे कंक्लूजन होगा कि यहाँ पे बच्चों का जो इश्यूज है उसको सॉल्व आउट करने के लिए. ये यूजफुल टेस्ट नॉट ओनली प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, एक यूजफुल टेस्ट किसे बोलते हैं, जो यूजफुल हो, बेनिफिशियल हो, वैसा टेस्ट किसको बोलते हैं, जो कि ओनली आपको इंफॉर्मेशन दे, इतना एनफ नहीं होता. जो इन्फॉर्मेशन दे बच्चों के बारे में, बच्चों का अचीवमेंट के बारे में, एंड बट ऑल्सो रिवील्स द इंस्ट्रक्शनल इफेक्टिवनेस एज वेल. आपने कितना इफेक्टिवनेस लगाया, एफर्ट लगाया उसको क्योर करने के लिए, वो भी बताए. इफ़ वी एग्जामिन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, अगर मैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को चेक करूँ, वी शुड बी एबल टू डिटरमाइन ईच स्टूडेंट्स डिग्री ऑफ प्रोफिशियंसी ऑन ईच ऑब्जेक्टिव. एक बच्चा और हर एक बच्चा का क्या लक्ष्य है, उद्देश्य है, या फिर कौन सा पॉइंट पे वो करेक्शन नीड करता था, हो गया, उसको हम जान पाएंगे. इतना ही पॉइंट्स, ठीक है. ये हो गया आपका.